बीजेपी में बुलडोजर एक्शन की खूब चर्चा होती है, खास करके यूपी और एमपी में। बुलडोजर एक्शन की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लोगों द्वारा बुलडोजर पर बारात ले जाने, बुलडोजर द्वारा कोई शुभ काम कराने के वीडियो भी खूब वायरल हुए। इतना ही नहीं, बुलडोजर बाबा नाम भी खूब चर्चाओं में रहा। यूपी के साथ साथ एमपी में भी ये एक्शन देखने को मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि एमपी में 2 साल में 12,000 बार बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अपने इस खास वीडियो में इसी एक्शन पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश के छत्तरपुर में थाने पर पथराव के बाद शुरू हुए बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर संविधान की शपथ लेने वाली सरकारों का ये कैसा न्याय है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन बुलडोजर एक्शन की शुरुआत अभी कुछ सालों पहले नहीं हुई, बल्कि 90 की दशक से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एमपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। उस समय बुलडोजर विकास का प्रतीक माना जाता था। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने पटवा सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। मकसद राजधानी भोपाल की सड़कों को चौड़ा करना था। इसके बाद उन्हें बुलडोजर मंत्री कहा जाने लगा। हालांकि बुलडोजर पूरे देश में मशहूर तब हुआ जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने। साल था 2017। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली और बुलडोजर को कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। यूपी में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई, जिसे ना सिर्फ प्रदेश के लोगों ने पसंद किया, बल्कि इस एक्शन की वाहवाही पूरे देश में हुई। और इसी से प्रभावित होकर इस मॉडल को 2018 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपना लिया। 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ सरकार ने माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया। लेकिन इस एक्शन की स्पीड एमपी में तब बढ़ी जब प्रदेश में शिवराज सरकार की वापसी हुई। इतना ही नहीं, शिवराज ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे वे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा की तरह बुलडोजर मामा की छवि गढ़ते दिखे। अब बात करते हैं बुलडोजर एक्शन के कुछ लोकप्रिय घटनाओं की। तारीख थी 10 अप्रैल साल 2022, जब मध्य प्रदेश में बुलडोजर से मकान और दुकानों को ढहाने की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी। दरअसल खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ। इसके बाद शहर में दंगे भड़क गए। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाते हुए दंगाइयों को गिरफ्तार किया। एक दिन बाद प्रशासन ने तालाब चौक स्थित मस्जिद की सभी दुकानों को अवैध बताकर तोड़ दिया। ये दावा किया गया कि इसी मस्जिद से दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। हालांकि जिनकी दुकानें तोड़ी गईं, उनका दावा है कि उनका दंगे से कोई लेना देना नहीं था। अब उस दूसरे एक्शन की बात करते हैं जो खूब चर्चाओं में रहा था। तारीख 4 जुलाई 2023, सीधी के कुबरी गांव का रहने वाला बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह उसी गांव के आदिवासी युवक दशमत पर पेशाब करते नजर आए थे। विधानसभा चुनाव से पहले हुए वायरल वीडियो से प्रदेश की सियासत गर्मा गई। राजनीतिक नुकसान की आशंका देख तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह खुद जांच कंट्रोल में जुटे। आरोपी को गिरफ्तार कराया। पीड़ित दशमत को सीएम हाउस बुलाकर उसके पैर धोकर सम्मानित किया, आर्थिक मदद दी। इसके बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला के मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। प्रशासन के इस कार्रवाई से ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की पहल पर समाज के लोगों ने चंदा एकत्र कर आरोपी परिवार को मकान बनवाने के लिए दिए। प्रवेश का तोड़ा गया मकान फिर से बन चुका है। प्रवेश शुक्ला के पिता रामाकांत शुक्ला का कहना है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैंने जबलपुर हाईकोर्ट में 2 याचिका लगाई है, वहीं से न्याय की उम्मीद है। मैंने मकान गिराए जाने के एवज में प्रशासन से क्षतिपूर्ति मांगी है। बुलडोजर एक्शन से जुड़े ये कुछ खास केस थे जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं बुलडोजर एक्शन के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक पहलू की। सामाजिक पहलू की बात करें तो सरकार का ये एक्शन कानून से ज्यादा जनभावनाओं पर आधारित है और इसके जरिए सिस्टम अपनी ताकत दिखाकर मैसेज भी देता है। संबंधित व्यक्ति को लगता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी सीधे चोट पहुंचाई गई है। अब बात करते हैं आर्थिक पहलू की। छतरपुर में हाजी शहजाद अली की 20 करोड़ की हवेली हो या फिर कोई और कार्रवाई, मकान तोड़ने के पीछे प्रशासन की मंशा होती है कि ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जाए। मगर इसकी चपेट में कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका ऐसे मामलों से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर इस एक्शन के राजनीतिक पहलू को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बुलडोजर एक्शन को राजनीति अपने चश्मे से देखती है। बीजेपी समर्थित नेता इसे कानून के राज के लिए जरूरी बताते हैं, जबकि दूसरा धड़ा इस एक्शन को संविधान के खिलाफ बताता है। उनका तर्क है कि सरकार का ऐसा एक्शन न्याय व्यवस्था के खिलाफ है।
कानूनी पहलू की बात करें तो प्रशासन मकान तोड़ने की कार्रवाई करता है तो दलील दी जाती है कि उस शख्स ने अवैध तरीके से निर्माण किया था। सवाल अक्सर ये उठता है कि अब जब निर्माण होता है तब अधिकारी जांच क्यों नहीं करते, समय रहते एक्शन क्यों नहीं ली जाती, अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ऐसे में इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।